नमस्कार साथियों, भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अब मैं आज लेके आ गया हूँ खिलजी वंश के क्वेश्चंस आंसर्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सवाल एक बार फिर से, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। दूसरा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? तो सवाल एक बार फिर से, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 1250 में। 1250 में तुर्की में हुआ था। सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? 1250 में तुर्की में हुआ था, ये इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 7 फीट का हिजड़ा जो था मलिक काफूर, वो खिलजी वंश के किस शासक के दरबार में था? जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, तो जो हिजड़ा था वो पहली बार ऐसा हुआ था, तो वो किस शासक के दरबार में था जिसका नाम मलिक काफूर था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हिजड़ा था वो सबसे पहले किस शासक के दरबार में था खिलजी वंश के? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख निर्माण बताइए। तो इसके प्रमुख निर्माण है आसार किंग का दरवाज़ा, और अलाई मीनार जो इससे पूरी नहीं हो पाई थी, और मंगोलपुरी। तो इसके तीन प्रमुख निर्माण हैं। एक है, वैसे दो ही माने जाएंगे क्योंकि अलाई मीनार जो है पूरी नहीं कर पाया था। तो दो प्रमुख निर्माण है, आसार किंग का दरवाज़ा जो कि राजस्थान, हाँ तीन निर्माण है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, आसार किंग का दरवाज़ा, शालीमार बाग और मंगोलपुरी। तो वो क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख निर्माण, आसार किंग का दरवाज़ा और आसार किंग का दरवाज़ा, शालीमार बाग और मंगोलपुरी, ये इसके प्रमुख निर्माण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुसरो खान नाम के एक लड़के से शादी की थी? जी हाँ दोस्तों, खिलजी वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुसरो खान नाम के लड़के से शादी की थी? इसका उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के किस शासक ने 6 साल की उम्र में शासन संभाला था? सवाल एक बार फिर से, खिलजी वंश के किस शासक ने 6 साल की उम्र में शासन संभाला था? इसका उत्तर है शहाबुद्दीन उमर। इसको जैसा मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, वो सॉरी, मुबारक शाह खिलजी ने इसका कत्ल करवा दिया था, इसका और इसकी माँ का। तो सबसे पहले इस असली उत्तराधिकारी भी यही था ये। तो उत्तर है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर ने ही 6 साल की उम्र में शासन संभाला था। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? सवाल एक बार फिर से, खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? इसका उत्तर है मुबारक शाह खिलजी। तो दोस्तों, बाद में कल फिर से मैं लेके आऊँगा, पहले तुगलक वंश कवर करूँगा कल, क्योंकि तुगलक वंश कवर नहीं किया था पूरा। मोहम्मद बिन तुगलक इसका और गयासुद्दीन तुगलक हो चुका है, तो पहले पूरा तुगलक वंश कवर होगा, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं, उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगा। तो मिलते हैं कल फिरोज शाह तुगलक के साथ, क्योंकि तुगलक वंश में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो भारतीय दिव्यांग के प्लेलिस्ट में जाके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक मैं कर चुका हूँ। तो कल मिलते हैं तुगलक वंश के अगले शासक फिरोज शाह तुगलक की हिस्ट्री लेकर के, फिरोज शाह तुगलक की हिस्ट्री लेकर के, और बाद में मैं इनके भी क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। इनके एक दो शासक बचे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। तो कल मिलते हैं फिरोज शाह तुगलक को लेकर। धन्यवाद। फ्रीज करंट स्टॉप।